दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक बॉली पर। जा दोस्तों, रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के सामने बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 की कमाई पर इन फिल्मों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जहां रनवे ने सैटरडे को यानी कि अपने दूसरे दिन 6 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, तो वहीं हीरोपंती 2 ने अपने दूसरे दिन सैटरडे को सिर्फ 5 करोड़ रुपए की कमाई की है। लेकिन वहीं केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने 17वें दिन यानी कि तीसरे सैटरडे को रनवे और हीरोपंती 2 के सामने 7 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और फिल्म का 17 दिनों का हिंदी में 360 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 के पूरे 18 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप रॉकिंग स्टार यश को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें केजीएफ चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए था, जो फिल्म ने अपने पहले ही दिन निकाल लिया था। और वहीं पूरे वर्ल्ड में केजीएफ चैप्टर 2 को लगभग 11,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। बात करें अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बताता चलूं मैं कि 16 दिनों में फिल्म का जो इंडिया में नेट कलेक्शन था वो था 693 करोड़ रुपए। वहीं 17वें दिन सैटरडे को यानी कि अपने तीसरे सैटरडे को फिल्म ने 17 करोड़ रुपए की कमाई की है और फिल्म का इंडिया में जो नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 710 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं अगर बात करें ग्रॉस कलेक्शन की, तो 17 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन 840 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं ओवरसीज से भी फिल्म ने 170 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो कुल मिला के केजीएफ चैप्टर 2 का 17 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1010 करोड़ रुपए हो चुका है। जा दोस्तों, फाइनली 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है केजीएफ चैप्टर 2। वहीं दोस्तों, अगर बात करें 18वें दिन यानी कि आज की, तो आज की जो एडवांस बुकिंग है वो काफी कमाल की है। दोस्तों आज 9 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, तो इंडिया में जो नेट कलेक्शन होने वाला है वो 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होने वाला है। और वहीं वर्ल्ड वाइड में फिल्म आज एक बार फिर से 30 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली है। तो कुल मिला के फिल्म का 18 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है 1040 करोड़ रुपए। यानी कि अब जो आरआर आगे चल रही थी, बस वो कुछ ही दिनों में केजीएफ चैप्टर 2 से पीछे छूटने वाली है, क्योंकि ट्रिपल आर की अब ना के बराबर कमाई हो रही है, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 अभी भी तगड़ी कमाई कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको कैसे लगी है फिल्म केजीएफ चैप्टर 2, कमेंट में जरूर बताइएगा।